8 नवंबर 2016 एक वो दिन था और आज एक है। प्रधानमंत्री ने रातों रात सभी नोट बंद कर दिए, लेकिन बीते 4 दिनों से न तो कोई घोषणा हुई है, न कोई आदेश आया है और न ही पीएम ने कोई मन की बात की है। फिर भी सभी एटीएम्स में से कैश गायब सा हो गया है। अब जनता फिर से परेशानी भरे दौर से गुजर रही है। आज हम जानेंगे कौन इस कैश किल्लत का विलेन, क्या सरकार है या आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम का फेलियर है या विरोधी पार्टियों द्वारा हवा बनाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया, कैश फ्री इंडिया से मनी फ्री इंडिया की ओर बढ़ता भारत, न तो जनता की जेब में पैसा है और न कोई जवाब। नोटबंदी के दौरान जैसे जनता की भीड़ लगकर पैसे निकालने की होड़ मचती थी, आज भी वैसा ही नजारा सभी आइटम्स पर दिख रहा है। 100 में से शायद 10-15 आइटम्स में ही पैसा है और वह भी भीड़। क्या आर्टिफिशियल कैश किल्लत कर सरकार कठुआ और उन्नाव जैसे मामलों को दबाना चाहती है। देश कतार में है और मोदी कतार एयरवेज में। मोदी लंदन में स्पीच दे रहे और विरोधी पार्टियां इस मुद्दे को राजकीय मोड़ देने की कोशिश कर रही है। जेटली इसमें अपनी गलती मानने से इनकार कर रहे हैं, वही विरोधी पार्टियां सरकार से सवाल पर सवाल पूछ रही है। लेकिन दोनों के बीच कहीं ना कहीं हार जनता की हो रही है। जेब में पैसा है न घर में राशन है, वैसे ही महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। अब देखने वाली बात है कि आखिर कितने दिनों में आर्टिफिशियल नोटबंदी से राहत मिलेगी। एचसीएन न्यूज की रिपोर्ट।